चांद बहुत खूबसूरत है, ये बात तो हम सबको पता है। और ये बात भी हमें पता है कि चांद हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है, या फिर आपसे अगर कोई पूछे कि चंद्रमा पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो शायद इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है, या फिर अगर चांद पर जाना हो तो वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं ज्ञान बॉक्स यूट्यूब चैनल। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपको लाइक करने में एक सेकेंड लगेगा। तो प्लीज़ यार, आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये बात तो हम सब जानते हैं कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट अक्ष पर होता है तब इसकी चमक बिंदु की अपेक्षा में लगभग 30% तक अधिक हो जाती है। पृथ्वी सौरमंडल के 9 ग्रहों में से एक है, और वहीं चांद पृथ्वी का उपग्रह है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार चांद भी पृथ्वी के चारों ओर निरंतर परिक्रमा करता रहता है। तो चलिए जानते हैं कि कितना समय लगता है पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में। पृथ्वी से चांद की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि हम जिस विमान से यात्रा कर रहे हैं उसकी गति क्या है। चंद्रमा पर पृथ्वी से भेजे गए विमान में सबसे कम गति वाला विमान ESA स्मार्ट 1 चंद्रमा पर लगभग 1 साल 1 महीने 2 सप्ताह में पहुँचा था। वहीं अब तक का सबसे तेज गति का विमान नासा का न्यू हॉरिजन ने करीब 8 घंटे 35 मिनट में पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तय कर ली थी। यह पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की यात्रा को तय करने वाला अब तक का सबसे तेज विमान था, जो इतने कम समय में पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंच पाया था। तो चलिए अब जानते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 4,06,696 किलोमीटर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, या फिर किसी को पृथ्वी से चंद्रमा पर जाना हो तो वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल ज्ञान बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।